हेलो दोस्तों। हाय दोस्त, आज मैं बताऊंगा, जैसे कि पहला वीडियो में आपको बताया था कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुकिंग करते हैं। तो वो जब हो जाता है, तो जब आपका अपॉइंटमेंट डेट जब है, जो जिस डेट में आप इंडियन एम्बेसी में जाओगे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, मतलब तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ता है, आज पूरा डिटेल से ये वीडियो में, कितना फीस लगता है सब बताऊँगा आज ये वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और यदि कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए। दोस्तों, जैसे कि आपका जब अपॉइंटमेंट बुकिंग है, वो डेट में आप इंडियन एम्बेसी में जाइए, और उसके जाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपका जो अपॉइंटमेंट बुकिंग किया है, वो अपॉइंटमेंट बुकिंग का जेरॉक्स चाहिए, पेपर जो PDF में अपलोडिंग किए थे, डाउनलोड किए थे। सेकेंड है पासपोर्ट कॉपी चाहिए, पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट भी चाहिए जो एक्सपायर होने वाला है, साथ उसका जेरक्स भी चाहिए, और तुम्हारा अकामा का कॉपी चाहिए, जो अकामा आईडी कार्ड है, अकामा है उसका भी कॉपी चाहिए उसके साथ, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो दो पीस चाहिए, 2 इंची बाई 2 इंची का। ये ध्यान में रखिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो पहले क्या था कि व्हाइट बैकग्राउंड रहता था, सॉरी व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोई भी शर्ट पहन के जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी क्या हुआ है, जैसा कि मेरा दोस्त गया था, वो क्या गया था, फ़ोटो तो व्हाइट बैकग्राउंड था लेकिन वो व्हाइट शर्ट पहन कर फोटो उठाया था, तो वो मना कर दिया उधर कि ये फ़ोटो नहीं चलेगा इधर, इसके लिए फिर से उधर उसको फ़ोटो उठाना पड़ा। तो उसके लिए उधर उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले से व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो शर्ट है आपका वो व्हाइट शर्ट नहीं होना चाहिए, व्हाइट शर्ट को छोड़ के बाकी जो कुछ है ब्लैक ब्लू जो कुछ शर्ट पहन के जा सकते हैं। उसका ध्यान में रखिए, फ़ोटो का साइज़ जो है लेंथ 2 इंची और वाइथ का 3 2 इंच होना चाहिए। तो पहले से ही ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके लीजिए, जैसे पासपोर्ट कॉपी, अपॉइंटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 पीस, उसके बाद अकामा का जेरॉक्स। ये करने के बाद आप एम्बेसी में जाइए, पहला काउंटर में खड़ा कर लाइन में खड़ा रह जाए, खड़ा रहने के बाद आपको एक टोकन देगा, एक टोकन आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आप जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उसको चेक करेगा, उसके बाद एक टोकन देगा। टोकन देने के बाद टोकन लगे बाद में दूसरा काउंटर है उसके साइड में ही, जस्ट साइड में ही रहता है, आप नहीं तो वहाँ पर पूछ लीजिए किसको, तो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। उसके बाद तो टोकन लगे साइड वाला ये मिल जाएगी, जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया नहीं तो बाद में दूसरा काउंटर में जाइए, तो उधर वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, सब कुछ वो रेडी करके देता है। जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बुलाएगा, आपका नंबर टोकन नंबर जब आएगा तो उसके बाद आपका पूरा डाटा जो अब आप लेकर गए थे डॉक्यूमेंट्स वो उसको दोगे, आपका पूरा डाटा पूछेगा नाम क्या है, तब घर का फ़ोन नंबर मांगेगा पुलिस रजिस्ट्रेशन के लिए, बाद में इधर का तुम्हारा नंबर लेगा, तुम्हारा दोस्त का नंबर लेगा, बाद में सब फॉर्म फिलअप करके आपको ये जो आप मैं दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट ऐसा ही वो सब कुछ भर के सब पेपर प्रिंट निकाल के दे देगा। आपको ईमेल आईडी पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका दोस्त का मोबाइल नंबर पूछेगा इधर सऊदी अरब का, बाद में आपका घर का नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद अकाउंट नंबर सब कुछ वो एक करके आपको फीस लेगा, वो कितना 36 डाल देगा। आप जो है ना वो उसका जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उधर जाकर उसके लिए फीस लेगा, ये देखो बिल है, और टोटल 36 डाल लेगा, 30 डाल उसका अप्लाई करने के लिए, 2 डाल जो है उसका प्रिंट के लिए, और टैक्स मिला के टोटल 36.8 मतलब 37 डाल लेगा। उसके बाद आप वहाँ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने के बाद आप काउंटर में फिर से जो काउंटर में आप टोकन लिए थे वही काउंटर में आकर लाइन में खड़ा रह जाए, उसके बाद आपका नंबर जब आएगा वो सब जो फॉर्म फिलअप करके लगाए थे उसमें तुम्हारा जो सब कुछ चेक करेगा, पासपोर्ट सब चेक करके बाद में तुम्हारा साइन सिग्नेचर करेगा, जिधर जो फॉर्म फिलअप किया था उधर जो साइन करने के लिए जिधर जिधर है उधर सब आपका सिग्नेचर करेगा। ये ध्यान में रखिए, जो पासपोर्ट पहला जो पासपोर्ट में है साइन, आप जो साइन किए थे तो सिग्नेचर थोड़ा भी डिफरेंस रहेगा ना, सोच लो पुराना पासपोर्ट में जैसे सिग्नेचर किया है आप, थोड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो अलाउ नहीं करेगा, फिर से आपको दोबारा फिर से साइड में सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, तो ये ध्यान में रखिए। बाद में वहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा आप एक टोकन दे देगा, आप जो देख रहे हैं टोकन ऐसा टोकन एक दे देगा, टोकन मिलने के बाद टोकन बाद में आपका जो पासपोर्ट है जो रिन्यूअल करने वाला है वो पासपोर्ट, बाद में जो आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया उधर वो सब डॉक्यूमेंट लगे, एक दूसरा काउंटर है आपको वहाँ पर पूछिए तो बता देगा वो, तो काउंटर में जाइए, आपका जो नंबर आएगा वो बुलाएगा आपको, आप वहाँ पर जाकर आपका टोकन देंगे,
बाद में आपका जो पासपोर्ट है, बाद में आप जो फॉर्म लगेगा सब कुछ उधर जमा हो जाएगा। वो रिटर्न बाद में कब आएगा, जब आपका पासपोर्ट आएगा उसके साथ आएगा कुरियर में, और सब ले जाएगा डॉक्यूमेंट, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिला किया वो डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट है सब कुछ वो ले जाएगा। बाद में उधर आके फीस पे करना पड़ेगा कुरियर के लिए और पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए, और क्या उसके सर्विस है टोटल मिला के 346 रियल, टोटल 346 रियल पे करना पड़ेगा उधर। पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट के लिए कितना 276 रियल है, और बाकी कुरियर के लिए 34 रियल ना से कुछ है, सॉरी 40 रियल है, और इसमें चार्ज टोटल मिला के 346 रियल, मतलब 347 रियल ये करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीट देगा, वो रिसीट में उसका ट्रैकिंग नंबर रहता है, आप पासपोर्ट कहाँ तक आया, क्या मतलब क्या प्रोसेस हुआ, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये ध्यान में रखिए, आपका ये प्रोसेस होने का 10-15 दिन बाद पासपोर्ट हो जाता है, 15-20 दिन मैक्सिमम उसमें टाइम देता है, वो टोकन में टाइम लगा रहता है कितने दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिलेगा। क्या पुलिस स्टेशन होने के लिए आपका हो सकता है घर में फ़ोन करेंगे पुलिस स्टेशन से, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसके बाद आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली आपका जो कुरियर से आपका जो एड्रेस है वहाँ पर आ जाएगा। आपको कुरियर वाला कॉल करेगा, जब आना रहेगा आपको व्हाट्सएप में आपका लोकेशन दे देंगे, आपके घर के पास आके देके चले जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका पासपोर्ट के सेटलमेंट वाला पूरा प्रोसेस, कितना फीस है, क्या है, क्या डॉक्यूमेंट है, सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों मैं और एक आगे वीडियो बनाऊँगा, जैसे पासपोर्ट आ जाता है मेरे पास कितने दिन लगता है, उसका क्या कैसे पुलिस वेरिएशन होता है और क्या प्रोसेस है, मैं आपको पूरा बताऊँगा, मतलब पासपोर्ट जैसे दे के जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।